बीते गुरुवार को नोटबंदी हुए 2 साल हो गए थे। वहीं नोटबंदी को हुए 2 साल को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। 8/11 को 8/11 को एक बेहद दुखद दिन और एक बड़ी त्रासदी के रूप में देखते हैं, जहां 9/11 को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, उसी प्रकार से 8/11 को हमारी सरकार ने हमारे वित्तीय व्यवस्था अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उसको धराशायी कर दिया। जब 8/11/2016 को यह घोषणा करी गई कि नोटबंदी नामक एक आर्थिक प्रयोग इस देश में किया जा रहा है, तो उस दिन उसका उद्देश्य केवल एक ही था, वो देश था काले धन को भारत में समाप्त करना। और कहा गया कि 15,44,000 करोड़ जो अर्थव्यवस्था में 500,000 रुपए के नोटों में घूम रहा है, उसमें से 3 से 5 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, काला धन है, और वह अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाएगा नोटबंदी के सफल प्रयोग से। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई आज से कुछ महीने पहले, और उसमें यह पता लगा कि 15,44,000 करोड़ रुपयों में से 15,31,000 करोड़ रुपए बैंकिंग व्यवस्था में वापस आ गए, यानी कि मात्र 13,000 करोड़ रुपए ही बैंकिंग व्यवस्था में वापस नहीं आए, बाकी सारे पैसे बैंकिंग व्यवस्था में वापस आ गए। और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि वो 13,000 करोड़ रुपए भी वो राशि है जो या भूटान नेपाल में हिंदुस्तानी करेंसी में पड़ी हुई है, या कुछ लोग एनआरआई जो बाहर रहते हैं उनका पैसा अपने घर में अपनी अलमारी में बंद है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा, पर मात्र 13,000 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में वापस नहीं आए, बाकी सारा पैसा वापस आ गया। आपको बता दें, नोटबंदी के बाद से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।